दक्षिण मुंबई जिला कांग्रेस कमेटी स्लम सेल सायन कोलीवाड़ा तालुका में कार्यकर्ता मेलावा का आयोजन किया गया, जहां पूर्व सांसद एकनाथ गायकवाड़, मुंबई कांग्रेस एससी विभाग के अध्यक्ष कचरू यादव, मुंबई कांग्रेस स्लम सेल अध्यक्ष उमेश भाटिया, मुंबई कांग्रेस गुजराती सेल के अध्यक्ष उपेंद्र दोषी, पूर्व नगर सेविका ललिता कचरू यादव, युवा नेता सुनील शेट्टे, जिला अध्यक्ष स्लम सेल के दीपक बाग, तालुका अध्यक्ष स्लम सेल के राम नारायण अग्रहरी सहित बड़ी संख्या में कांग्रेस पार्टी के पदाधिकारी और कार्यकर्ता मौजूद रहे। जहां आए मान्यवरों ने सभी का मार्गदर्शन किया और 2019 के चुनाव की रणनीति पर अपने विचार कार्यकर्ताओं के सामने व्यक्त किया। एक कार्यकर्ता जो मिला हुआ है, कांग्रेस के संगठन एकत्र करना चाहिए, कांग्रेस के साथ में रहना चाहिए और जो कांग्रेस के आए अभी इलेक्शन आ सकते हैं लोकसभा के विधानसभा के, उसमें कांग्रेस कार्यकर्ता ने कैसा काम करना चाहिए। कांग्रेस ये देश में देश बनाने का, देश का विकास करने का, देश का आज़ादी करने का काम ये देश में पूरा कांग्रेस ने किया है, लोगों तक वो बताना पड़ेगा। और ये चंद दिन में लोग आए हैं बीजेपी शिवसेना के, कुछ काम नहीं कर रहे, हर दिन नया घोषणा कर रहे, हर दिन नया कार्यक्रम दे रहे हैं, पब्लिक के लिए कुछ नहीं करना चाहिए, कांग्रेस को सतर्क करना जरूरी है। इसलिए कांग्रेस सब मिलकर एक दूसरे को ये कार्यक्रम देने का हम लोगों ने तय किया। कार्यकर्ता मेला एक इसके लिए रखा गया है कि कांग्रेस पार्टी के सायन कोलवाड़ा विधानसभा के सभी कार्यकर्ता जो इधर उधर हुए थे, जो एक दूसरे से मेल मिलाप नहीं कर रहे थे, एक दूसरे के संपर्क में नहीं थे, कार्यकर्ता मेला एक बहाना है कि हम सभी कांग्रेस के कार्यकर्ता इस माध्यम से एक होकर एक राय बने और कांग्रेस के लिए काम करें। आने वाले 2019 में इलेक्शन कभी भी लग सकता है, तो इस विभाग से आमदार और खासदार कैसे चुन के दे, इसके ऊपर कांग्रेस को एक होना बहुत जरूरी है। इसके लिए हमने ये मीटिंग ली थी और दक्षिण मध्य मुंबई जिला के स्लम सेल के इस सायन कोलवाड़ा विधानसभा की मीटिंग रखी थी। इस मीटिंग में सभी वार्ड के सभी विधानसभा के कार्यकर्ता आकर बड़ी जोर शोर से उसके अंदर सहभागी होकर उन्होंने अच्छा एक अपने विचार रखे, कुछ नेताओं ने, कार्यकर्ताओं ने, और एक अच्छा वातावरण तैयार हो रहा है कि हमारे राहुल जी का हाथ मजबूत नफरत से नहीं प्यार से इस माध्यम से हम लोग काम करते जा रहे हैं। 2019 में यहाँ से हमारा आमदार और खासदार यहाँ से 101% चुन के हम लोग लाने के, हमारी तरफ से भी यही तैयारी है कि कांग्रेस का एक खासदार और आमदार चुन के आना चाहिए। अभी आप लोगों को तो पता ही है कि जो मोदी सरकार है उससे कितनी परेशान हो गई है जनता, वो परेशानी से उनको निकालने का काम कांग्रेस करती है और करती रहेगी और आगे भी करेगी। आने वाले दिनों में जो चुनाव आ रहे हैं तो हम किस तरह का हमारे कार्यकर्ता काम करेंगे, हमारे नेता लोग ने वहाँ पे उनको मार्गदर्शन दिया, माजी खासदार गायकवाड़ साहब तो और कई वरिष्ठ जिले के नेता थे, कार्यकर्ता काफ़ी जोश में है और उनका कहना है कि जनता भी काफ़ी जोश में है और आने वाले 2019 के चुनाव में आप देखेंगे कि भाजपा सरकार पूरे देश से सफाया हो जाएगा। 2000 की तैयारी की ये चल रही है कि लोगों की समझ में आया है कि ये झूठी सरकार है, ये फ्रॉड सरकार है, ये भ्रष्टाचार सरकार है, ये सिर्फ वादा करती है कुछ करती थी। लोग आज भी 15 लाख के चक्कर में पड़े हुए कि हमारे खाते में कब 15 लाख रुपए आएंगे और कब हमको मिलेंगे, लेकिन ये सरकार कुछ नहीं कर रही है, ये सरकार निकम्ब है, इसे बदलना चाहिए। और जनता इस वक्त आने वाले इलेक्शन में आपको बता देंगी कि कांग्रेस की सरकार आएंगी और कांग्रेस पूरी तरह से उन पर भारी पड़ेंगी, ये जनता भी दिखाएंगे और कांग्रेस के कार्यकर्ता भी दिखा देंगे। आज जो कार्यकर्ता मिलावा रखा था, इससे हमारे जो मुंबई जो एसएससी सेल के जो अध्यक्ष है कचरू भाई यादव जी, उन्होंने कार्यकर्ता को खास करके एक ताकत दी, उनका मनोबल बढ़ाया। और जिस तरह कचरू भाई एक साधारण कार्यकर्ता थे, आज वो बम्बई के स्लम सेल के अध्यक्ष हो गए, तो ये हमारे लिए फ़ख्र की बात है। इतनी फ़ख्र की बात है कि हमने उनसे एक मनोबल हमारा बढ़ा और हमारे साथ जो कार्यकर्ता आते हैं, जैसे मैं ब्लॉक अध्यक्ष हूँ, वार्ड अध्यक्ष हैं, फिर कार्यकर्ता है, तो वो तैयार होते हैं आगे चल के जो 2019 का हमारा लक्ष्य है, 2019 में हम लोग कैसे भी अपना सत्ता लाना चाहते हैं कांग्रेस की, हम लोग लोकसभा और इस विधानसभा में।